नमस्कार भारत के सभी किसान भाइयों को। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपनी 13वीं किस्त का। अगर किसी की किस्त कोई रुकी हुई है और अगर जो आपको किस्त नहीं मिल पा रही है, पेंडिंग में है, पेंडिंग यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो हमसे कॉन्टेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, हम आपको पूरा समाधान देने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 13वीं किस्त के बारे में, जो कि बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया था कि हमें जो 13वीं किस्त है वो कम मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो फाइनली अब हमारी जो 13वीं किस्त का ऑप्शन है वो आ गया है। सिंपल आपको पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको बेनिफिशरी स्टेटस इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको वही पहले जैसा ऑप्शन मिल जाता है, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो नाव और रजिस्ट्रेशन नंबर इस पर क्लिक करके और आप अपना यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, ये जो कैप्चा है इसे नीचे डाल के गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी सबमिट करेंगे, आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद में आपको क्या करना है उसे आपको नोट कर लेना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर से स्टेटस चेक करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। आपको रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। जैसे कि मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, चलिए वीडियो को कर लेता हूँ पुश। ओके, तो हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लिया है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमने जो इंस्टॉलमेंट हैं वो यहाँ पर देखिए 12th इंस्टॉलमेंट तक आ गई थी, जो कि यहाँ पर 17 अक्टूबर 2022 को आया था। उसके बाद में कोई जो पेमेंट है वो नहीं आया है, ना कोई नोटिफिकेशन, लेकिन अब यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड हो गया है। ये जो यानी कि 13वीं इंस्टॉलमेंट का ये जो ऑप्शन है ऐड हो गया है और पेमेंट है वो प्रोसेस्ड शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो ऐड कर दिया गया है और पेमेंट है उसे प्रोसेस्ड कर दिया गया है। शायद PFMIF को पेमेंट भेज दिया गया होगा। तो अब यहाँ पर जो आपका जो पैसा है वो यहाँ पर कभी भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब पेमेंट प्रोसेस्ड हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि पेमेंट यानी प्रक्रिया एकदम से यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। अब PFMIF के थ्रू, DBT के थ्रू पैसा आने वाला है, तो यहाँ पे थोड़ा समय लग जाता है, 4-6-8 दिन का। तो आप लोग चेक कर लीजिए कि अगर आपके में ये जो यानी कि 13वीं किस्त का ऑप्शन नहीं आ रहा है 13 इंस्टॉलमेंट का, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके स्टेटस में कोई प्रॉब्लम हो। आप चेक कर लें उसे, आपका हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई हो, तो इस कारण से आपके में नहीं आया हो। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे मेरे यहाँ पे मैंने जितनों का चेक किया है उतनों का सभी का आ गया है। 2-4 लोगों का अभी यहाँ पे 12th इंस्टॉलमेंट से आगे नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग चेक कर लेना कि आपका भी आया या फिर नहीं आया है। अगर जो यानी कि आपके में 13वीं किस्त का जो ऑप्शन है वो आ गया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी समस्या को कमेंट में बताएं, हम उस पर समाधान निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो का मकसद यही था कि आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना कि 13वीं किस्त का जो ऑप्शन है वो आ गया है और जल्दी हमारी 13वीं किस्त भी आने वाली है। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।